तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के मदद से किस तरीके से हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। और इससे पहले लेक्चर में यानी यूनिट नंबर सेकंड में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग जो हमारा ग्रीडी अप्रोच होता है उसके मदद से किस तरीके से हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक बार उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा ताकि पुराना कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये चीजें और भी बड़ी मजेदार लगेंगी आपको। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। तो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम की रिगार्डिंग वीडियो सीरीज है उस प्लेलिस्ट में ही ऐड होता है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर फ्रेंड कह रहा है कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। यानी ये किस प्रोग्रामिंग अप्रोच पे डिपेंड करता है, ये आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच पे मतलब आधारित होता है। सेकंड आपका प्रोग्राम पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नेम कॉइन्ड बाय द रिचर्ड वेलमैन इन 1955। यानी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्ड है वो रिचर्ड वेलमैन ने दिया, वो भी कब, 1955 में दिया था। आइए हम नैपसैक प्रॉब्लम को एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एग्जांपल के क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि नैपसैक प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व करने के लिए आपको कहेगा। तो हम किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट का वेट दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट दिया है, ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3 दिया है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा वेट है वो दिया है, 2 के अकॉर्डिंग वेट दिया है, 3 के अकॉर्डिंग वेट दिया है, और जो प्रॉफिट है वो ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग, इस तरीके से आपके डिवाइड है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि मैक्सिमम जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो कहां से मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, उसको कंबाइन करना होगा। तो यानी यहां से आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, कितना होगा, 45 होगा। लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 85 होगा। तो 85 ही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से वो आंसर होगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आप उसको सजा के लिखेंगे, क्या आपका मतलब जो फंडामेंटल होता है वो होगा, वो देखिए आप। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चार्ट को बना लेना है ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट 3 आपका हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया और ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे हो गया। जैसा कि आपको बताया कि ऑब्जेक्ट 3 का जो वेट था वो कितना था, 10 था। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट 3 का जो सॉरी वेट वेट नहीं जो प्रॉफिट था वो 10 था। ऑब्जेक्ट 2 का अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट 1 और 2 के, तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 का जो प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं 10 था और ये 2 था। 10 और 2 कितना था आपका, वेट जो था वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए जो नैपसैक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हुआ है वहां पे आपका 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे 10 और 2 कितना होगा आपका, 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 हो गया, और चूंकि हमें हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। तो हमें क्या करना होगा, एक चार्ट को बनाना होगा जो कि बेसिकली ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग बनता है वो चार्ट। वो किस तरीके से बनेगा आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3। तो ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्रैक, यानी किस तरीके से आप इसको क्रैक करेंगे इस मेथड को, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए। तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 लिखना है आपको, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, उसके बाद 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, यानी अगर 2 का पावर 3 यानी 8 रहता है तो हम इस तरीके से ट्रुथ टेबल को लिखते हैं। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3 में तीनों में कोई कंडीशन नहीं है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट कितना, ऑब्जेक्ट 3 का प्रॉफिट आपका कितना था, चूंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 3 को ही हमें कैरी करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 और 1 पे कितना है आपका, 0 है। तो ऑब्जेक्ट 3 का कितना था, 60 था। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 का प्रॉफिट कितना था आपका, यहाँ पे 1 है तो ऑब्जेक्ट 2 के ही प्रॉफिट को हम प्रेडिक्ट करेंगे, तो 25 था। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 और 3 के जो प्रॉफिट होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे, तो कितना हो गया, 25 और 60 कितना हुआ, 85। और यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट कितना है, 20 है। ऑब्जेक्ट 1 और 3 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 80 है। और ऑब्जेक्ट जो 1 है और 1 और 2 का जो प्रॉफिट है वो 45 है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट 1 और 2 और 3 पे तीनों टाइम 1 आपका आ रहा है तो क्या हम इसको लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी नॉट पॉसिबल के कंडीशन में जाता है। तो आप इन देखिए कि सारे सॉल्यूशन में आपको सबसे मैक्सिमम कौन लग रहा है, आपको 85 लग रहा है, तो 85 ही आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग 01 नैपसैक प्रॉब्लम को बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक अप्रोच सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने में मदद करेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।